गुलाबो सिताबो कमजोर कहानी में लोगों को पसंद आ रही है अमिताभ बच्चन की एक्टिंग। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म गुलाबो सिताबो शुक्रवार को अमेजन प्राइम पर रिलीज हो गई है। थिएट्रिकल स्क्रीनिंग के लिहाज से बनाई गई ये पहली बड़ी फिल्म है जिसे मेकर्स ने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया है। ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए हैं और इसे गजब की मूवी बताया है। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर दर्शकों का रिस्पांस भी आना शुरू हो गया है। तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में दर्शकों का ओपिनियन कैसा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फिल्म का रिएक्शन काफी हद तक मिला जुला है। कुछ लोगों ने फिल्म की तारीफ की है तो तमाम ऐसे भी हैं जिन्हें ये फिल्म खास पसंद नहीं आई। एक यूजर ने फिल्म के बारे में लिखा, अब तक की सबसे बोरिंग फिल्म, शुक्र है ये सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हुई। एक्टिंग हर कलाकार की अच्छी है लेकिन इसमें कोई कहानी नहीं है और इसे देखते हुए मैं कई बार सो गया, उन्होंने इसे बनाया ही क्यों। एक यूजर ने फिल्म के बारे में ट्वीट किया है, क्या कमाल की ह्यूमन स्टोरी है जिसका लालच हम में से कभी खत्म नहीं होता। शूजीत सरकार और जूही चतुर्वेदी हमेशा की तरह गजब का कॉम्बिनेशन साबित हुए हैं। एक यूजर ने लिखा है, मैं तो इस कहानी के पीछे का इंटेंशन ही नहीं समझ पा रहा हूँ, बिल्कुल भी सटीक नहीं है और किसी लायक नहीं है, शॉर्ट में कहूँ तो एकदम बेकार मूवी है। एक यूजर ने इसके फिल्म के बारे में कहा कि एक्टिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन कहानी फिल्म की कमजोर है। कई यूजर ने फिल्म को बोरिंग बताया तो कई यूजर ने फिल्म को अच्छा भी बताया। कहा जा सकता कि फिल्म का सोशल मीडिया रिएक्शन मिला जुला है। कई लोगों को फिल्म पसंद आई है तो तमाम ऐसे भी हैं जिन्हें फिल्म की कहानी काफी कमजोर लगी। देखिए सभी का अपना अपना रिएक्शन है। अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको OTT प्लेटफॉर्म पर एक बार तो इस फिल्म को देखना बनता ही है, क्योंकि अगर आप अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म के दीवाने हैं तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखिए, तभी आप जान सकते हैं कि फिल्म गुलाबो सिताबो किस हद तक अच्छी है और किस हद तक बोरिंग। और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें।